माननीय महोदय, आप हमारे झारखंड के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपको तो बाहरी की चिंता है, आपको दलालों की चिंता है, पूजा सिंघल जैसे लोगों की चिंता है, आपको छवि रंजन जैसे लोगों की चिंता है, आपको वीरेंद्र राम जैसे लोगों की चिंता है, आपको प्रेम प्रकाश जैसे दलाल की चिंता है, आपको पंकज मिश्रा जैसे दलाल की चिंता है। शहीदों ने दी कुर्बानी, खतियानी झारखंड के निर्माण में अपनी लगा सके जवानी। खतियानी के हक छीन कर तू कर रहा बेमानी, पढ़ेगी पीढ़ियां भविष्य में तुलना कर तेरी तुगलक से, जब लिखेगा कोई कहानी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज ये हमारा 128वां दिन हुआ। दौड़ेंगे हम, दौड़ेंगे आप, दौड़ेगा झारखंड के निमित्त। और ये दौड़ेंगे हम इसलिए कहते हैं कि दौड़ेंगे खतियानी, दौड़ेंगे आप, मतलब दौड़ेगी हेमंत सरकार, तभी हमारा दौड़ेगा झारखंड। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यदि आपने खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति बना दी होती तो हमें ये दौड़ दौड़ना नहीं पड़ता। आज एक एक खतियानियों के साथ न्याय हुआ रहता। आपने इन 3 वर्षों में क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यदि कर दिया होता तो हमारे 8 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता। एक व्यक्ति से 10 लोग पलते हैं और इस तरीके से 80 लाख लोग आज खुशहाल होते, बेहतर तरीके से गुजर बसर किया करते। लेकिन आपको हमारे खतियानी की चिंता नहीं है, आपको तो बाहरी की चिंता है, आपको दलालों की चिंता है, पूजा सिंघल जैसे लोगों की चिंता है, आपको छवि रंजन जैसे लोगों की चिंता है, आपको वीरेंद्र राम जैसे लोगों की चिंता है, आपको प्रेम प्रकाश जैसे दलाल की चिंता है, आपको पंकज मिश्रा जैसे दलाल की चिंता है, आपको गलत मानसिकता वाले लोगों को जो आप परवरिश कर रहे हैं, जो आप देखभाल कर रहे हैं, जो संरक्षण दे रहे हैं, ये खतियाने बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपको कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो हमारे साथ वादा खिलाफी की है, हर एक चुनाव में आप क्या कहते थे कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को रद्द करते हुए खतियान के आधार पर स्थान नीति ले लाएंगे और एक एक बच्चों को हम नौकरी देंगे। और आप कभी 60-40 वाली बात नहीं करते थे, आप 100% नौकरियों में कैसे नियोजित कराएं उसकी बात करते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तकलीफ का विषय यह है कि आज आप सिर्फ और सिर्फ बाहरी की चिंता कर रहे हैं। हमारे खतियानी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक विभागों में हमारा व्यक्ति होना चाहिए, चाहे अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी। इसलिए मैं रोज के रोज कहता हूँ, झारखंड में जितने भी विभाग हैं और विभाग में जितने भी कुर्सियां हैं, कुर्सियों में बैठने वाला दिखने वाला व्यक्ति हमारा खतियानी होना चाहिए, चाहे वो अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो। हम कतई नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा चपरासी बने, लेकिन जिस बच्चे को पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं रहेगा वो बच्चा तो हमारा चपरासी बनेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति भी आकर हमारे यहाँ पर चपरासी की नौकरी करे। हमारा ही बच्चा प्रखंड को संभालेगा, अंचल को संभालेगा, जिला मुख्यालय को संभालेगा और सचिवालय मंत्रालय को संभालेगा। निसंदेह आपको बता दे, हमारे खतियानियों में 19-20 का दम नहीं है, 21 का दम है। किसी से 19-20 नहीं है, खतियानी 21 है। और खतियानियों को मौका देना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन आपने हमारे खतियानियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, आहत पहुंचाई है। खतियानी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है और हम जैसे लोग आपका पुरजोर विरोध करेंगे। माननीय महोदय, चाहे विपक्षी दल वाले लोग आपका विरोध करें ना करें, विपक्षी दल वाले लोग आज शांत क्यों है पता है? शांत इसलिए है क्योंकि आप उसके अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। माननीय महोदय, आप हमारे झारखंड के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये जो बाहर के लोग जिसे आपने सचिव सेक्रेटरी बनाकर रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धन उगाही करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे खतियानी की चिंता नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी जगह चले जाइए, चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, जिला मुख्यालय हो, सचिवालय या मंत्रालय हो, हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ पैसे से काम किए जाते हैं और कराए जाते हैं। आज हमारे खतियानियों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे यहाँ के बच्चों की उम्र सीमा खत्म हो रही है। आपने कभी एज रिलैक्सेशन देने की बात नहीं सोची? आप क्या सोचते हैं 60-40 वाली बात है? हम 60-40 के बारे आपको कहना चाहते हैं माननीय महोदय, ये 40% लोग बाहरी तो आएंगे, ये 60% में जिसे आप कहते हैं कि झारखंडियों के लिए हम सुनिश्चित कराएंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं
ये 60% जो आप झारखंडी की बात करते हैं, तो आखिर आप बताने का काम करें ये झारखंडी कौन है, कौन है? आपने क्या परिभाषा तय किया है महोदय झारखंडी की? नहीं किया है, फिर आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि झारखंडियों को 60% नौकरी देंगे? बाहर से आने वाला व्यक्ति भी यहाँ 10,000-20,000 रुपये देकर आवासीय प्रमाण पत्र बना ले रहा है, वैसे व्यक्तियों की तादाद में कोई कमी नहीं है। बैठे हुए वे लोग इसी इंतजार में कि कब हमारे यहाँ वैकेंसियां निकलेंगी और हमारे कैसे बाहरी लोग यहाँ पर आएंगे। तो माननीय महोदय, ये सारी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपका आज हम विरोध कर रहे हैं। आप इस विरोध को अगर अनदेखी करते हैं तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर खतियानी भी आपकी अनदेखी करेगा, खतियानी भी आपकी चिंता नहीं करेगा। जिस जोश और जुनून के साथ में, जिस भरोसे के साथ में, जिस उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में आपको सत्ता की कुर्सी दी गई है खतियानियों के द्वारा, आने वाले दिनों में निस्संदेह मैं आपको बताता हूं कि आपको उस कुर्सी से बेदखल करने का भी काम यही खतियानी करेंगे। आपको दिखेगा एक नहीं 21 कदम। माननीय महोदय, अब देखें, ये खिजरी विधानसभा है, 128वां दिन है जो हमारे दौड़ का है, और ये 80 विधानसभा है, 128वां दिन है। अब देखें खिजरी विधानसभा में ये छोटे छोटे बच्चे आखिर क्यों दौड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ताकि इनके लिए भविष्य की नीति बने। अब जितने भी युवाओं को देख रहे हैं, युवा क्यों दौड़ रहे हैं? ताकि आज उन्हें नौकरियां मिले। कोई यही बच्चा चाहता है कि कोई दारोगा बने, डीएसपी बने, बीडीओ बने, सीओ बने। इसी आस के साथ में, इसी विश्वास भरोसे के साथ में आज आपका दौड़कर विरोध कर रहा है, आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है, धमकी भी दे रहा है। और मैं तो रोज के रोज आपको धमकी देता हूं, फिर कोई बात नहीं महोदय, गलत करेंगे मैं खड़ा हूं आपको धमकी देने के लिए। अब देखें आज भी एक नहीं 21 कदम। चले आजा बेटा, झारखंड का डीसी कौन बनेगा? झारखंड का डीसी कौन बनेगा?